हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू डॉक्टर मधुस फिजियो क्लासेस। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ साइनैप्स के एक्साइटेटरी और इनहिबिटरी फंक्शंस के बारे में। पिछले वीडियोस में मैंने आपको साइनैप्स के टाइप्स और स्ट्रक्चर के बारे में एक बेसिक आइडिया दिया हुआ है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उन दो वीडियोस को आप ज़रूर देखें ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो बात करते हैं पहले एक्साइटेटरी फंक्शन की। पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एक साइनैप्स का दो तरीके का फंक्शन हो सकता है। एक्साइटेटरी, जहाँ पे वो एक्शन पोटेंशियल को प्री साइनैप्टिक से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन तक पहुँचने में मदद करता है, और दूसरा होता है इनहिबिटरी, जहाँ पे वो पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन तक एक्शन पोटेंशियल ना आए, एक्शन पोटेंशियल को रोकता है वो आने से। सो इनहिबिशन। तो पहले बात करते हैं अबाउट द एक्साइटेटरी फंक्शन। सो इस पूरे एक्साइटेटरी फंक्शन को हम एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स की तरह समझ सकते हैं, और आप एक फ्लोचार्ट की मदद से अपने एग्जामिनेशन में इन बातों को प्रेजेंट कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी गुड, क्योंकि जब आप एक फ्लोचार्ट में चीज़ों को लिखते हैं आपके एग्जामिनर के लिए, जो कि आपके आंसर शीट को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, उनके लिए काफ़ी आसान हो जाता है चीज़ों को समझना कि स्टूडेंट आखिर जानता कितना है। तो सबसे पहले प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन में देखते हैं क्या होता है। एक्शन पोटेंशियल एक्सॉन टर्मिनल तक पहुंचता है। इसकी वजह से जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स है प्री साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में, वो खुल जाते हैं। इनके खुलने की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से कैल्शियम आयन्स अंदर की ओर आते हैं, इनटू द एक्सॉन टर्मिनल्स, और ये कैल्शियम आयन्स साइनैप्टिक वेसिकल्स को सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर देते हैं, और इसकी वजह से एसिटाइल कोलिन, जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, वो रिलीज हो जाता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस। अब आगे ये एसिटाइल कोलिन थ्रू द साइनैप्टिक क्लेफ्ट पास करता है और पहुंच जाता है इन द पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन में कुछ रिसेप्टर प्रोटीन्स होते हैं, एसिटाइल कोलीन उन रिसेप्टर प्रोटीन्स के साथ जाकर जुड़ जाता है, और इस बाइंडिंग को कहा जाता है एसिटाइल कोलीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स को खोल देता है इन द पोस्ट साइनैप्टिक मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सोडियम आयन्स अंदर की ओर आ जाते हैं। आपको पता है कि सोडियम आयन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, तो इसकी वजह से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द सोमा ऑल्टर हो जाता है और डीपोलराइजेशन डेवलप होता है, जिसे कहा जाता है एक्साइटेटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल या EPSP। अनलाइक एक्शन पोटेंशियल, ये नॉन प्रोपेगेटिव होता है, मोनोफेजिक होता है, और ये ऑल और नन लॉ को ओबे नहीं करता। एक्शन पोटेंशियल के ये जो भी प्रॉपर्टीज़ है, या फिर नर्व्स की एक्साइटेबिलिटी रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है, इससे रिलेटेड भी वीडियो मेरे चैनल में है, आप चाहे तो उस वीडियो को एक बार देख सकते हैं। अब ये जो EPSP है, या फिर एक्साइटेटरी पोस्ट साइनैप्टिक पोटेंशियल है, इसका काम होता है कि पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन के इनिशियल सेगमेंट में, एक्सॉन के इनिशियल सेगमेंट में लाइगेंड गेटेड सोडियम चैनल्स को ये खोल देता है, और जिसकी वजह से बाहर से और सोडियम आयन्स अंदर आते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल का डेवलपमेंट होता है, और आगे ये एक्शन पोटेंशियल थ्रू द एक्सॉन ऑफ पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन आगे स्प्रेड होता है या फिर आगे ट्रैवल करता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्साइटेटरी फंक्शन। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा फंक्शन होता है साइनैप्स का इनहिबिटरी फंक्शन। इनहिबिशन यानी इम्पल्सेस प्री साइनैप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनैप्टिक न्यूरॉन तक नहीं जाते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और ये तीन तरीके से होते हैं। पहला होता है पोस्ट साइनैप्टिक इनहिबिशन, दूसरा होता है प्री साइनैप्टिक इनहिबिशन, और तीसरा होता है रेनशॉ सेल इनहिबिशन। समझते हैं एक एक करके। पोस्ट साइनैप्टिक इनहिबिशन को कहा जाता है डायरेक्ट इनहिबिशन। आपने समझ लिया है कि एक्साइटेटरी फंक्शन कैसे होता है। उसी तरीके से पूरे इवेंट्स के दौरान अगर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर की जगह कोई इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाए, फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलीन की जगह गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड या गाबा रिलीज हो जाए, या फिर ग्लाइसिन रिलीज हो जाए,
ऐसे में क्या होगा, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है वो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में जब रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और ये रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक्ट करेंगे उसमें, तो सोडियम की जगह ये पोटेशियम चैनल्स को ओपन कर देंगे। अब जब ये पोटेशियम चैनल्स ओपन होंगे तो पोटेशियम आयन्स अंदर से बाहर की ओर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ओर पास आउट हो जाएंगे और इसके आगे क्लोराइड चैनल्स भी खुलेंगे जिससे क्लोराइड आयन्स अंदर आ जाएंगे। तो जब पोटेशियम आयन्स बाहर जाते हैं और क्लोराइड आयन्स अंदर आते हैं तो अंदर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसकी वजह से हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है और इसे कहा जाता है इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, मतलब आगे ये एक्शन पोटेंशियल डेवलप नहीं कर पाता। दूसरा टाइप ऑफ इनहिबिशन होता है बाय प्री साइनेप्टिक इनहिबिशन, इसे इनडायरेक्ट इनहिबिशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बाकी सब सही रहता है लेकिन जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है प्रीसाइनेप्टिक एक्सॉन टर्मिनल में यानी एसिटाइल कोलिन, वो किसी वजह से रिलीज ही नहीं होता, तो आगे एक्शन पोटेंशियल के जाने की जो संभावना है वो वहीं पे खत्म हो जाती है। तीसरा टाइप ऑफ इनहिबिशन होता है रेनशॉ सेल इनहिबिशन, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड में। आपको पता होगा कि जो एंटीरियर नर्व रूट होता है उसमें कुछ नर्व फाइबर्स होते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जा रहा होता है और ये अराइज होते हैं फ्रॉम द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स इन द एंटीरियर ग्रे हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड और आगे जाके ये मसल्स तक पहुंचते हैं। यहाँ पे कुछ फाइबर्स क्या करते हैं, ये पहुंच जाते हैं एज कोलैटरल्स इन द रेनशॉ सेल, मतलब स्पाइनल कॉर्ड से ये बाहर ही नहीं जाते हैं, मसल्स तक नहीं पहुंचते बल्कि रेनशॉ सेल तक ही पहुंचते हैं। तो जब मोटर न्यूरॉन्स मोटर इम्पल्सेस भेजते हैं, कुछ इम्पल्सेस ऑब्वियसली रेनशॉ सेल तक भी पहुंचेंगे वाया द कोलैटरल्स। अब इससे क्या होता है, ये रेनशॉ सेल स्टिमुलेट हो जाता है और इन टर्न ये इनहिबिटरी इम्पल्स भेजता है टू द अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, जिसकी वजह से अल्फा मोटर न्यूरॉन की जो डिस्चार्ज है वो कम हो जाती है और एक इनहिबिशन होता है ऑफ द एक्शन पोटेंशियल। अब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि एक्शन पोटेंशियल का आगे जाना तो बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे मसल्स वर्क कर पाए, तो क्या इस इनहिबिटरी फंक्शन की ज़रूरत वाकई हमारे बॉडी में है? तो इस सवाल का जवाब ये है कि यस, ये जो साइनेप्टिक इनहिबिशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ये एक टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स और मसल्स के ऊपर ताकि वो ढंग से काम करे। मतलब इस इनहिबिशन की वजह से सिलेक्टेड नंबर ऑफ इम्पल्सेस ही बाहर जाते हैं, आगे जाते हैं, प्रोपेगेट होते हैं और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारे बॉडी के फंक्शंस हैं वो प्रॉपरली होते हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको साइनाप्स का इनहिबिटरी एज वेल एज एक्साइटेटरी फंक्शन समझ में आ गया होगा। आने वाले वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ साइनाप्स, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल के कंटेंट को चेक कीजिए, हो सकता है आपके ज़रूरत का या इंटरेस्ट का कोई टॉपिक आपको उसमें मिल जाए। फिजियोथेरेपी के बेसिक सब्जेक्ट्स, मेडिकल के बेसिक सब्जेक्ट जैसे एनाटॉमी फिजियोलॉजी, इस तरीके के टॉपिक्स पे मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल रहेंगे। Thank you so much for watching the channel. See you soon. Till then, take good care.